हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पास सुबह का टाइम था तो ब्रेकफास्ट बन चुका है, और जैसे पिछली वीडियो में देखे होंगे कि पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो वो अभी भी है। तो बनाने वाले आएंगे तो अब दोपहर तक में आएंगे, इसलिए अभी थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पास में सबसे पहले जो ये कवर है ना, सॉरी बिल्लो है, तो इनको एक ही कवर में डाल देती हूँ, क्योंकि कवर डाल दो फिर कवर कहीं और घूमते हैं और पिल्लो कहीं और बच्चे निकाल देते हैं। तो इनको थोड़ा सा ठीक करके और मैं इनको रख देती हूँ। मैंने इनको इकट्ठे ही डाल दिया, दोनों अलग अलग रखती थी तो इकट्ठे ही डाल दी हूँ, क्योंकि ना अब यूज करते करते पिल्लो एकदम ना नीचे हो जाती, कितनी भी अच्छी लेके आओ ना पिल्लो तो भी ऐसी हो जाती है। तो दोनों में ना दो दो पिल्लो डली हैं। तो चलिए, यहाँ पर बिस्तर ठीक हो गया है और जो ये टैडी वैडी है इनको सबको ठीक से रख देती हूँ, क्योंकि ये भी बच्चे हैं तो उनका थोड़ा सा ना खिलौने तो रखना ही पड़ेगा। और इनका थोड़ा सा बिस्तर ठीक करती हूँ, क्योंकि पूरा जो निकाल के ना बेडशीट मुझे नहीं झाड़ना नहीं है, ज़्यादा गंदा नहीं था इसलिए मैंने ऐसी टॉवल से झाड़ दिया, और साइड से जो भी था ना ख़राब तो मैंने ठीक कर दिया है। तो चलिए, टेबल अब बिस्तर ठीक हो चुका है, अब चलते हैं टेबल में। जो सही बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं टेबल में रखी हुई, तो उनको पहले मैं ठीक करती हूँ। तो जो पेपर ऊपर हो गए, ऊपर से डेली पेपर आते हैं, तो पहले तो एक दिन का पेपर जो आता है तो ऊपर ही रखा रहता है पूरा दिन, फिर उसको दूसरे दिन नीचे रख देते हैं। और इस वाली टेबल को ठीक करते हैं पहले, इसका मोबाइल वोबाइल जो भी है इसमें सब चीज़ रखा है, तो इसको थोड़ा सा झाड़ देती हूँ अच्छे से, और क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है इस समय। और बच्चे क्या है ना, इसको लैपटॉप में इसे यूज़ करते हैं, ऐसे मयंक है कि खाते खाते भी जो कुछ ना कुछ इसको चलाता रहता है ना, तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लग गया था। तो मैं थोड़ी थोड़ी उसको साफ़ कर रही थी अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाए उसकी, जो भी उसमें कचरा है या तेल लग गया है तो ठीक हो जाए। और चलिए, इसको भी साफ़ करके, और ज़्यादा मैं तेज़ से साफ़ नहीं कर रही, क्योंकि जो ये कपड़ा है ना एकदम सॉफ्ट नहीं है, स्क्रैच ना आ जाए, इसलिए धीरे धीरे लगी थी। तो चलिए, इधर का ये काम हो गया, टेबल भी ठीक हो गई, बिस्तर भी ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरी वाले बिस्तर की तरफ। और इधर की जो जो चीज़ें थी ना, सब चीज़ों को से कंघी हो गई, तेल यूज करते हैं तो इधर से उधर रख देते हैं, तो मैंने वो भी ठीक किया। और इसको मैंने चौकोस दिया था खाने को, तो क्या है ना, आजकल पता ही है कि बच्चों को मोबाइल पक्का चाहिए, तो एकदम पास में मोबाइल और चौकोस सभी एक चीज ही रखा था। और इधर फिर मैं आ गई थी किचन में, कुछ काम कर रही थी, क्योंकि वो राजमा बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था। ये दोपहर का टाइम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी है सब हो चुके हैं, और इधर मैंने राजमा बॉयल करने के लिए रख दिया था, पहले ही रख दिया था, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है बॉयल होने के लिए। और इधर प्याज को जो है मैंने क्रश कर, जो कद्दूकस करते हैं ना वैसे कर लिया है, क्योंकि ऐसे में ग्रेवी मुझे अच्छी लगती है खाने में, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया है। और इसी इसके बाद टमाटर, तो टमाटर में भी धनिया जो भी मतलब मसाले हो गए सभी चीज़ों को मैंने उसी में डाल दिया है, कि थोड़ा सा ना सोख कर लेंगे तो अच्छा रहता है, फिर डालने से सूखे सूखे मसाले नहीं जल जाते हैं फिर डालने से। तो टमाटर यहाँ पास प्याज अच्छे से पक चुकी है, और उसमें मैंने अब टमाटर ऐड कर दिया है। और इसके बाद इनको दोनों को अच्छे से पका लेती हूँ, तब तक मतलब जो तेल है ना सेपरेट ना होने लगे कढ़ाई में, तब तक उसको पकाना है। और बहुत गैस को ना तेज करके नहीं पकाना, नहीं तो फिर प्याज जल जाती है, पकती नहीं है, तो जो उसका अच्छा जो खुशबू और खाने में आता है ना फिर वैसे नहीं आता। इसके बाद राजमा को मैंने थोड़ी से राजमा को ना ऐसे दबा दिया है, क्योंकि ग्रेवी जो है ना गाढ़ी लगे और अच्छी, तो अलग नहीं तो अलग अलग मसाला फिर रहता है। तो थोड़ी से राजमा को से दो चम्मच भर राजमा को मैंने उसको अच्छे से मसल दिया था। और इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, धनिया पत्ती ऐड कर दी, और एक चम्मच लास्ट में मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। तो देख सकते हैं कि राजमा बन चुका है, और एक साइड मैंने चावल भी बनाने के लिए रख दूंगी, और आज के खाने में राजमा और चावल है। और खाना पीना खाने के बाद अब आई किचन साफ करने की बारी, तो साथ ही साथ मैं इधर किचन को भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अधिक तो गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, तो उसको मैंने साफ कर लिया। और ये है शाम की क्लिप, तो यहाँ पास सब्जी भाजी लेके आए थे रात में, तो शाम को तो वही सब निकाल के रखे हैं, तो ये सबको धुलाई करके फिर बाद में फ्रिज में रखूंगी, लास्ट में धुलूंगी।
तो इस सब्जी उब्जी मैंने कहाँ पास कट कर ली है, और दाल मिक्स दाल बनाना है और भिंडी की सब्जी, तो सभी सब सब्जी को मैंने कट कर लिया है। और दाल को पहले ही मैंने भिगो के रख दिया था करीब आधे घंटे पहले ही, क्योंकि भी दाल को पहले भिगो दो ना तो थोड़ा सा जल्दी पकती है। तो एक साइड मैंने दाल चढ़ा दिया है और एक साइड सब्जी, तो दोनों जल्दी जल्दी बन जाएंगी एक ही साथ। फिर इसके बाद रोटियाँ बना लूँगी, तो वही प्रोसेस जो हमें जैसे सब्जी हमेशा बनाती हूँ दाल फ्राई करती हूँ, तो बस वैसे ही प्याज टमाटर सभी चीज़ों को। पर क्या है कि मैं इसमें मसाले वसाले बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। सिर्फ भिंडी में जो मसाले हैं मैं कभी नहीं डालती, बिना मसाला के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तो जल्दी से तड़का लगा दूंगी सब्जी में भी। और यहीं बस थोड़ा सा दाल में मैंने दो चार काली मिर्च डाली थी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पास टमाटर कट करके साथ ही साथ रख लेती हूँ दाल के लिए भी। और इसके बाद दाल और बन जाएंगी और सब्जी, तो एक साइड रोटियाँ बना लूँगी। तो टमाटर गल चुके हैं और इसमें मैं अब दाल डाल देती हूँ, और दाल को भी थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से भून लूँगी। और कल जैसे आज जब वीडियो जाएगी तो आज हनुमान जयंती है, तो यहाँ पास पूरे हर ना मतलब मंदिर है तो सजा हुआ था। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो भी किचन के आइटम हैं, जो भी मतलब खरीद के लेके आई हूँ ना, जो भी सामग्री से दालें हो गई ख़त्म थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पास मैं चीनी लेके आई थी 3 kg चीनी है, और दालें हो गई चने की दाल 1/2 kg, और उड़द की दाल, मूंग की दाल और चने, ये जो छोले होते हैं वो, और एक पैकेट जीरा, जीरे का पैकेट, जो जीरे का पैकेट था बड़ा नहीं था इसलिए मैं छोटा ही लेके आई हूँ। तो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं लेके आऊँगी। उसे है अभी मेरे पास जीरा निकाला हुआ है, और मैगी मसाला हो गए, चिंग चाउमीन मसाला, इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आइटम जो हमारा इधर का, क्योंकि इस महीने का सिर्फ 15 दिन तो बाकी हैं, तो ये सब राशन चल जाएगा मेरा। और एक पैकेट नमक, नमक मेरे पास पहले से ही रखे हुए हैं। तो एक कुछ इसमें ना एक दो इसे ये हो गए चाइनीज हो गया और मैगी, ये अभी तो कुछ कैंटीन का जो आइटम है सब कैंटीन के चीज़ें थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये सब चीज़ हो गया मेरा आज, जो बिस्किट का मैं एक ही पैकेट आप लोगों को दिखाई हूँ, तो और पहले से रखी हुई हैं। तो ये यहाँ पास मैं सब टोकरी में डाल के रख देती हूँ, और जो चीज़ें ख़त्म होगी डिब्बों में वो फिर मैं बाद में डाल के रख दूँगी। तो ये रहा मेरा ग्रोसरी आइटम, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो पहले से भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं हुई हैं, तो उनको मैं लेके नहीं आई, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था।